हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के क्विज का ये सेकंड आपका क्विज है, ठीक है। ये इसकी जो बेस होगा एक्सप्रेशन के ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको जो मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है। प्रेसिडेंस टेबल को यहाँ पे देखो, जैसे ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, डॉट हुआ, ये ऑपरेटर सॉल्व होता है, देन प्लस प्लस माइनस माइनस, या प्लस एंड माइनस जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। मतलब किसी नंबर के आगे, मतलब किसी के आगे प्लस या माइनस लगा देना, जैसे आप जो है माइनस माइनस निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट के लिए करते हो, उसके लिए। देन हमारा जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, देन शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं हमारे, ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर देन आता है, देन हमारा जो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर आता है, लॉजिकल आता है, असाइनमेंट आता है, ठीक है, लास्ट में हमारा कॉमा ऑपरेटर आता है। तो इस तरह से हमारा कुछ जो है हायरार्की होती है, जिस जो आपका सॉल्व करता है। एसोसिएशन का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब आपका लेफ्ट टू राइट, मतलब जो अगर मान लो सेम सेम आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉड साइन जो है, अगर एक ही साथ आ जाता है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब सबसे पहले जो आएगा उसको सॉल्व करना, उसके बाद जो आएगा उसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट टू राइट में आप जाते जाओ, तो जो सबसे पहले मिलेगा उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह निगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस माइनस सिंबल है, इसमें सेम चीज़ें हैं। अगर प्लस पहले आता है तो प्लस सॉल्व करोगे, निगेटिव पहले आता है तो निगेटिव सॉल्व करोगे, मतलब माइनस पहले आता है तो माइनस सॉल्व करोगे। तो इस तरह से आपका ये हायरार्की है। तो हम चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें लिखा, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन। इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो इसमें देखो, जेड इक्वल टू क्या दिया है कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई है, देन डिवाइड है, मॉड है। तो आपको ये मालूम होगा कि इन मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड का सेम प्रेसिडेंस होता है, और प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है। तो हमारा एसोसिएशन देखते हैं लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइड होगा, देन मॉड होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, देन मॉड, डिवाइड, देन मॉड, ठीक है। देन इसके बाद आपका प्लस, आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में पहले आ रहा है तो प्लस होगा, देन आपका जो है निगेटिव साइन होगा, मतलब माइनस होगा, देन आपका असाइनमेंट होगा। तो इसका मतलब आपका जो ए है वो सही होगा। यहाँ पर ये गलत क्यों होगा? सबसे पहले असाइनमेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो डिवाइड पहले नहीं हो सकता है। यहाँ पर सेम, यहाँ पर आपका मॉड जो है वो डिवाइड के राइट साइड में आ रहा है, तो मॉड पहले नहीं हो सकता, पहले डिवाइड होगा तभी मॉड होगा। तो इसका मतलब यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इसको मैं इसको आपको ये करेक्ट आंसर लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि हायरार्की बताओ कि कौन सा आपका करेक्ट ऑर्डर है अर्थमेटिक का। तो यहाँ पर हायरार्की देखते हैं। तो हमारा तो डिवाइड के बाद प्लस, तो बिल्कुल नहीं, प्लस के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई पहले होगा प्लस से, ठीक है। तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई के बाद आपका माइनस होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, माइनस के बाद आपका डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आपका, ठीक है। पहले प्लस देन माइनस, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि पहले पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर देखो, पहले डिवाइड है, देन मल्टीप्लाई है, देन प्लस है, माइनस है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, तो यही आपका करेक्ट ऑर्डर है। याद रखना, मैथ में जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली, तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, देन माइनस करिए, प्लस करिए, देन माइनस करिए। तो ऐसा हमारा मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सिनारियो नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो भी पहले हमको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में जो पहले मिल जाएगा, वो इसको ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है आपका मैथ का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, मतलब अप्लाई होता नहीं, उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या दिया हुआ गया है कि यहाँ पर कौन सा जो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर है वो करेक्ट है, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको मालूम होगा कि आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलन से आपका बनता है, ठीक है। तो इसमें इसको टर्नरी ऑपरेटर भी करते हैं, क्योंकि इसमें तीन तीन ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर क्या है, इसका होता क्या है, जैसे यहाँ पर होता है कंडीशन, कंडीशन होता है, देन क्वेश्चन मार्क लेता है, देन एक्सप्रेशन वन होता है, देन कॉलन लगता है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू होता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन ऑपरेटर होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो एक्सप्रेशन वन रन होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो एक्सप्रेशन टू रन होता है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन ऑपरेटर है। हम इसमें चेक करते हैं कौन सा आपका ट्रू है। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये तो आपको लग रहा होगा ये ट्रू है, क्योंकि एक्सप्रेशन सही कुछ सही दिया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम कभी भी कंडीशनल ऑपरेटर में अगर इस तरह से आपका असाइन करा रहे हो वैल्यू को, तो इस तरह से नहीं कराओगे, आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे तभी आपका यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये हमारा पहला वाला जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। सेम बी हमारा सेम टू सेम दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हो, तो यहाँ भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। डी देखते हैं, डी हमारा क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर ब्रैकेट में हुआ, देन यहाँ भी ये ब्रैकेट में, इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको ऐसे कर सकते हो,
ये कर सकते हो, इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हो, आप वहाँ ब्रैकेट नहीं लगा सकते हो, तो ये अभी वो भी हमारा ये गलत हो जाता है। यहाँ पर सी चेक कर लेते हैं, सी में हमारा क्या मैक्स, तो यहाँ पर क्या ए ग्रेटर देन भी कंडीशन सही है, तो यहाँ पर जो कंडीशन सही हो तो यहाँ पर जो है ये अपने राइट साइड में, तो राइट साइड समझो ये यहाँ तक इसका है, ठीक है, तो ये अपना साइड लेफ्ट साइड में जाएगा, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन वन में जाएगा, तो एक्सप्रेशन वन में क्या ए ग्रेटर देन सी है, तो ये भी कंडीशन सही यहाँ सही है, अगर ये कंडीशन सही होता तो ए रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स होता तो सी रिटर्न करेगा, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर हमारा बी ग्रेटर देन सी चेक करता, अगर यहाँ कंडीशन सही होती तो हमारा बी रिटर्न करता, अगर नहीं कंडीशन सही होती तो सी रिटर्न करता। एक्चुअली ये आपका जो है 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है, मतलब ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए होता है, तो उसी के लिए ये दिया गया है, तो ये आपका एग्जैक्ट सही है, ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया होगा कि आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इफ द कॉलिंग फंक्शन इज इन द बिलो कोड, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट ऑर्डर कि फंक्शन के हमारे करेक्ट ऑर्डर कौन था, तो आपको देखो यहाँ पर देखने लगे कि पहले F1 कॉल होगा, देन F2 कॉल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो अभी सबसे पहले यही दोनों सॉल्व करने की कोशिश होगी, ठीक है, तो यहाँ पर F1, F2, देन F3 ये कॉल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है हमारे पास सी में प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है कंपाइलर बेस पे होती हैं, हो सकता है टर्बो में आपका F1, F2, F3 कॉल हो, लेकिन GCC में आपका जो है F3, F2 और F1 कॉल हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर में वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, सी में थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि कंपाइलर टू कंपाइलर पे वेरी करता है, इवन सिस्टम टू सिस्टम पे वेरी करता है, इसी कारण जो है सी आपका जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा प्लस ए, ठीक है, तो हम अभी सी बात है किसी को प्लस माइनस दे सकते हैं, ठीक है, या तो हम यहाँ माइनस माइनस बी मतलब हम पॉजिटिव और निगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो इसमें कौन से ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, सबसे पहला क्या है नॉट, नॉट हमारा सिंगल के ऊपर काम करता है, नॉट के आगे आप कुछ भी लगा दो तो उसको ट्रू लगाओगे फॉल्स बना देगा, फॉल्स लगाओगे ट्रू बना देगा, तो ठीक है, तो नॉट हमारे सिंगल के ऊपर काम करता है, देन हमारा यहाँ पर आता है साइज ऑफ, साइज ऑफ भी हमारे सिंगल के ऊपर काम करता है, किसी वेरिएबल का साइज हमको देना है पता करना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हो, तो ये भी सिंगल के ऊपर काम करता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी आपका सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर के लिए आपको दो ऑपरेटर हमेशा चाहिए होता है, एक हमारा जैसे हमारा मान लो सपोर्टेड हमको चेक करना है ए ग्रेटर देन बी देन एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये इस तरह से एंड लगता है, तो एक हमारा एक यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन में सॉल्व होगा तो एक कोई कंडीशन में चेंज हो जाएगा, मतलब कोई एक वैल्यू आएगी यहाँ पर, और ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू, फिर इन दोनों वैल्यू के ऊपर हमारा ये एंड ऑपरेटर लगता है, तो हमेशा दो के ऊपर ये लगता है, तो ये हमारा जो है आपका फोर्थ था तो रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सही है, तो इसका जो डी आंसर हो जाता है वो आपका यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा आपका, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर देखो सबसे पहले जो सॉल्व होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होता है, उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर आता है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आता है, सबसे लास्ट में जो होता है हमारा वो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, तो हमारा 2 1 3 4, तो यहाँ पर देखो 2 1 3 4 ये हमारा ए वाला हमारा यहाँ पर ये इसको करेक्ट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। सिक्स पे आते हैं, सिक्स में हमारा क्या है, यहाँ पर देखो क्या है कि आउटपुट क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर इसको सॉरी यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया हूँ गलती से, तो इसको आउटपुट हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट चेक करने के लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में क्या एंड सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो एंड लगा हुआ इसी को मेन है, इसी को ध्यान देना जरूरी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा इसको मैं नीचे यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर एम इक्वल टू कुछ इस तरह से आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पर एम इक्वल टू लिख रहा हूँ, तो m इक्वल टू यहाँ पर प्लस प्लस आई है, तो प्लस प्लस आई है इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले आपका प्लस प्लस है, तो आपके ये क्या है एक आपका दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं, आपका एक प्री इंक्रीमेंट होता है एक पोस्ट इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है पहले इंक्रीमेंट करो देन काम करो, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है पहले इंक्रीमेंट पहले आप काम कर लो देन आप इंक्रीमेंट करो, तो यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा देन ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो प्लस प्लस आई इसके आई की वैल्यू -3 है, तो आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देन एंड सिंबल लगा हुआ है, एंड सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर जे की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, तो जे की वैल्यू आपकी 2 से 3 हो जाएगी, ठीक है। देन एंड सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर के की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो के की वैल्यू क्या होगी आपकी इसकी वैल्यू आपकी प्लस होके ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन ट्रू हो गई,
ठीक है, ये कंडीशन ट्रू ही तो नेक्स्ट चेक करने जाएगा, ये भी इसको चेक करेगा, तो यहाँ भी कंडीशन आपकी, क्योंकि आपको मालूम है सी प्रोग्रामिंग में जीरो ही जीरो जो होता है आपका फॉल्स होता है, जीरो के अलावा सारे डिजिट आपके क्या होते हैं वो आपके ट्रू में ही कंसीडर किया जाते हैं, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। तो ये कंडीशन जब ट्रू होती है आपकी, तो ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये इसको चेक करेगा, ये भी चेक करने के बाद फिर आपको ये लास्ट में इसको चेक करेगा, ठीक है। तो तीनों को चेक करना पड़ेगा इसको एंड की कंडीशन में, अगर पहले भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो आगे कोई भी कंडीशन चेक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एंड केस में क्या होता है, हर अगर ट्रू होती चली जाती सारी चीजें चेक होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस प्लस होगा तो इसकी माइनस टू हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस टू हो जाएगी, तो ये वाला सही है। जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, थ्री 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 हो जाएगी, ये भी सही है। के की वैल्यू क्या होगी, प्लस फिर प्लस हो जाएगी तो हमारा जीरो से ये वन हो जाएगा, तो के की वैल्यू वन हो जाएगी। और एम में क्योंकि ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसलिए सारे की कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये एम की वैल्यू क्या होगी वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आपकी वन आएगी, तो हमारा यहाँ पर ये वाला जो आपका है वो आपका ये करेक्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि ये थोड़ा सा दोहरी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, माइनस टू को जो है ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं टू, ठीक है। तो एक्चुअली माइनस टू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें टू को रिप्रेजेंट करना होगा हमको, तो टू को हम जनरली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका टू को रिप्रेजेंट करेंगे तो वन जीरो करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वन जीरो को एक्चुअली क्या होता है, हम 16 बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में इंटीजर होगा तो टू आपका 16 बिट में आ जाएगा, क्योंकि 2 बाइट का इंटीजर यहाँ पर, तो 16 बिट में आएगा। तो हमको इसको लिखेंगे इस तरह से, हमारे ये 8 हो गया, ये फर्स्ट बिट का 0 हो गया, देन हमारा 5 6 1 0, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हमारा 2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव 2 है, ठीक है। इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पहले 1 2 कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमको मालूम है कि हम इसका इसका जो है आपका 1 कॉम्प्लीमेंट जो होगा इस चीज़ का, वो हमारा कुछ क्या होगा कि जितने भी 0 है उसको 1 बना दो और 1 को 0 बना दो, तो हमारा ये 1 1 1 1 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 8 हो गया, ठीक है। देन सबको फिर यहाँ 1 बना दो 6, फिर यहाँ पर ये जो है आपका वो ये 0 बन जाएगा, और फिर ये लास्ट वाला आपका ये 1 बन, तो ये हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट होगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें बस इसी में आप क्या करोगे, इसमें आप +1 लिख दोगे, ठीक है, +1 कर दोगे, +1 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपकी, जैसे यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपका यहाँ पर दो यहाँ पर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, कि ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हमारा एक कुछ इस तरह से आएगा, ये 1 1 1 1 1 1, ठीक है, देन स्पेस 1 1 1 1 1, ठीक है, फिर 1 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव का जो है, अब ये जो चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं -2 को, ठीक है। तो इसको 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या कहते हैं, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। 2's कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली ये 2 का जो है ये निगेटिव वर्जन होगा, तो ये हमारा ये माइनस जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें इसमें इस उसमें जो है आपको 2 राइट शिफ्ट करना, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है आपका कि इधर से चीजें आगे निकल जाती हैं और इधर से आपका 0 ऐड, 2 2 है तो 2 बार 0 ऐड कर दोगे, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक 0 यहां पर आएगा, देन यहां पर 0 आएगा, देन यहां पर 0 आएगा, तो ये 2 आपका 0 आपने यहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये 2 बार आपका राइट शिफ्ट हुआ, तो 2 0 ऐड हो जाएंगे लेफ्ट साइड से उधर, मतलब यहां पर ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका था वो सब 1 1 ही रहेगा आपका, तो बाकी जो आपके रहेंगे 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पर आपको जाएगा 1 1 1 1 5, तो ये हमारा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। ट्रू सिंपल सा 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, कि लेफ्ट साइड जो साइड, तो 2's कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया आपको, और राइट यहाँ पर राइट शिफ्ट भी करना था, राइट शिफ्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पर 2 इधर से शिफ्ट होंगे, तो 2 शिफ्ट होने पर क्या होगा, 2 आपको जो है यहाँ पर 0 ऐड हो जाएंगे, और बाकी चीज़ें जो इधर से होंगी वो आपकी वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको शिफ्टिंग करनी है। अब इसको अगर आप जो है यहाँ पर तो प्रिंट करना है हमको परसेंट एक्स के, एक्स मतलब हेक्सा डेसिमल में प्रिंट आपको प्रिंट करना है, तो ये आपका अगर हेक्सा डेसिमल में, अगर बाइनरी को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 4 का ग्रुप बनाते हैं, तो 4 का ग्रुप बनाया इसको, तो ये पूरा 1 1 1 तो 15 हुआ, तो ये पूरा आपका जो हो गया वो आपका
एफ हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला इतना, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा फोर है वो भी हमारा एफ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी आपका क्या है, वो आपका एफ है, ठीक है। और लास्ट का जब फोर का बनाएंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 8, 1 2 4 8, तो 8 हो जाएगा हमारा, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 8, इसको अगर आप हेक्सा डेसिमल लिखो तो 8 लिखोगे, तो FFF8। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, अगर आपको समझ में ना आया होगा तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ 9 में जाते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम का आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या गिवन है, यहाँ पर सब में, वहाँ पर ऊपर सब में और था, तो सेम चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर सब में एंड था, लेकिन यहाँ बीच में और लगा दिया है। और में एक कुछ प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर देखो आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस प्लस आई है, जिसका मतलब है ये माइनस माइनस 3 से माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 होते ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के कारण क्या होता है, ये अपने और में क्या होता है, अगर हमारे पास यह कंडीशन 1 लिखा है और सिंबल लगाया हुआ है और कंडीशन 2 लिखा हुआ है, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाता है तो कंडीशन 2 को चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको और में मालूम है कोई कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो हमारा पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो इसी कारण ये क्या करता है, वो आगे कंडीशन को चेक ही नहीं करता। अगर कंडीशन हुआ अगर ट्रू हो जाएगा तो इधर वाले का चेक नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है आई प्लस प्लस तो होगा, लेकिन इधर वाला चेक ना होने के कारण ना जे इंक्रीमेंट होगा ना के इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -3 से -2 हो जाएगी, और बाकी इसकी जो जे की वैल्यू थी वो सेम बनी रहेगी, जे की वैल्यू 2 बनी रहेगी, के की वैल्यू 0 बनी रहेगी। तो इसके बाद है -2 2 0, और इसके क्योंकि ये ट्रू हो गया था तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पर देखो फिर वही सेम चीज दिए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा x इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पर क्या x क्या आपका एक 12 के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 के इक्वल नहीं, तो कंडीशन ट्रू यहाँ पर होगा। कंडीशन ट्रू जैसे होता है तो इसको आगे यहाँ पर कंपेरिजन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी बताया है कि अगर ये थोड़ा कंडीशन ट्रू होती तो ये नेक्स्ट वाले कंडीशन को ये चेक नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसके कंडीशन नॉट इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद जेड में क्या हो जाएगा, आपका 1 चला जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन आपका, तो ये आपका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, यहाँ स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 20। तो यहाँ पर सबसे पहले पहली बात है, यहाँ स्टैटिक कीवर्ड का मेन यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टैटिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो जब भी कोई एरे को आप स्टैटिक से, एरे का इवन वेरिएबल को भी अगर स्टैटिक से आप जो है स्टैटिक बना देते हो, तो बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल की वैल्यू जो होता है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। तो अगर एरे को आप स्टैटिक बना दो तो एरे के हर इंडेक्स पे जो है आपका वो 0 स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या कर दी इन्होंने, आई की वैल्यू 0 कर दी है। अब 0 इंडेक्स पे आई की वैल्यू 0 स्टोर करा रहे हैं, तो अभी सी बात है 0 पे 0 स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो ए जीरो आपका क्या होगा, A0 आपका 0 प्रिंट करेगा, लेकिन हमने बताया था सारे इंडेक्स पे आपका 0 स्टोर करके रखा, तो A1 भी आपका 0 ही प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू क्या ऑलरेडी हमारी 0 रखी हुई है, तो आई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा है आपका, दो आई पहला तो डब्ल्यू के लिए देखते हैं, डब्ल्यू के लिए देखो तो आई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हुआ, 4 दिया हुआ, तो 4 क्या हुआ आपका, 4 कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो आगे को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था और लिया, आगे आगे चेक नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो गई, ठीक है, कंडीशन सही है। एक्स एक्स में क्या आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 है। तो अब 4 एंड लगा, एंड लगने में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर आए आई की वैल्यू -1 है, ये भी ट्रू हो गया। चलो आगे आगे चेक करने चलते हैं, के की वैल्यू क्या हो गई, वो 0 हो गई, कंडीशन फॉल हो गई। तो इसमें से एक कंडीशन फॉल होगी, तो इसकी इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई के लिए चेक करते हैं, वाई सिंपल सी बात है, यहाँ 4 हो गया, 4 क्या कंडीशन ट्रू करेगा, कंडीशन जैसे ट्रू किया तो आगे चेक नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी जो है, ये 4 हुई तो कंडीशन सही हुआ, ठीक है, ये चेक किया, इसकी वैल्यू माइनस
-1 है तो -1 भी यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ भी कंडीशन ट्रू, यहाँ भी कंडीशन ट्रू, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो आगे यहाँ पर दो आगे आर लगा हुआ, यहाँ पर दोनों मिला करके क्या हुआ, ये ट्रू हो गया तो आगे चेक नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू भी आपकी ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो और में ये होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन दो, यहाँ पर और एंड का फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, अगर कंडीशन कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, ठीक है, सेम अगर यहाँ पर कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 है, तो ये ध्यान से सुन लो, कंडीशन में अगर यहाँ ट्रू होता तो और कंडीशन में ये वाले कंडीशन चेक नहीं होती है, एंड कंडीशन में अगर ये वाला फॉल्स हो जाता तो ये वाले कंडीशन चेक नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि और सिंपल सी बात है, एंड में हमको दोनों ट्रू होने चाहिए तभी हमारा चलेगा। ठीक है, अगर इसमें एक भी फॉल्स हो जाता तो फॉल्स हो जाता, तो अगर मान लो पहला फॉल्स हो जाता है तो आगे चेक ही नहीं करने जाता है। ठीक है, तो ये सेम चीज है, यहाँ पर ट्रू हो जाता है तो आगे नहीं चेक करता है, तो और में ट्रू केस में दूसरा वाला चेक नहीं होगा, एंड में फॉल्स के केस में दूसरा वाला चेक नहीं होगा। ये चीजें दिमाग में बैठा लो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1011, तो आपका क्या है 1011, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सब वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वही सेम एंड एंड दिया, तो यहाँ पर एंड दिया, देन यहाँ पर ऑल दिया हुआ, तो सबसे पहले -3 है, ये क्या ट्रू होगा आपका, यहाँ भी ये भी ट्रू होगा, तो दोनों ये ट्रू हो जाएंगे, तो ट्रू होने के कारण क्या होगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो -3 से -2 हो जाएगा तो आई की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू प्लस प्लस भी होगा तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका -2 -2 3, के वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि इधर वाला कंडीशन ट्रू हो जाता तो इधर वाला ये इसको चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आपका ये पूरी कंडीशन ट्रू है तो एम की में भी क्या होगा आपका 1 ही आएगा, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, आई थिंक अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, यहाँ आउटपुट पूछा, सिंपल तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है आपका, मैंने बताया था ये आपका प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट है, सॉरी प्री डिक्रीमेंट होने का क्या बोला है मैंने, कि पहले डिक्रीमेंट करो देन काम करो, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 3 हो जाएगी, 3 ही आपका जो है इसमें वाई में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डिक्रीमेंट कर लिया जाएगा उसके बाद असाइन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा वाई में जो होगा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू भी आपके डिक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पर जेड जेड यहाँ पर देखो क्या है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले काम कर लो देन डिक्रीमेंट को, तो जेड में क्या होगा, ये 3 ही वैल्यू चली जाएगी, तो जेड में क्या हो जाएगा आपकी, वो 3 चली जाएगी, उसके बाद जो है जब ये स्टेटमेंट खत्म होगा तो उसके बाद आपका एक्स की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीमेंट कर दी जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा लास्ट में क्या है, एक्स 2 हो गया है, जेड आपका 3 है और वाई भी आपका यहाँ पर वो 3 है, तो हमारा यहाँ पर एक्स वाई जेड प्रिंट करें तो हमारा 2 3 3 हमारा यहाँ पर जो आपका आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का आउटपुट चेक करते हैं, यहाँ पर सेम क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 100, तो ऑब्वियस सी बात है एक में 100 तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वो 100, इसका कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होने के कारण ये क्या इधर चेक करेगा, बिल्कुल नहीं चेक करेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सी की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसका चेक नहीं करेगा, तो ऑब्वियस बात है पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, क्योंकि दोनों से कोई भी कंडीशन आपको ट्रू होना होगा तो और हमारा ट्रू कर देता है, तो सी में क्या होगा 1 आ जाएगा, तो सी में आपका यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसमें देखो इसमें क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है 55 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो एक चीज होता है, यहाँ पर आपका राइट टू लेफ्ट आपका ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चलता है आपका, तो पहले यहाँ पर चेक करो 55, एक्स की वैल्यू 55, 55 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसको मैं इस पे लगा के करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये 1 हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पर आया, अब क्या है 55 एक्स में क्या कर दिया 40 कर दिया, तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आपकी हो गई है 40 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो 40 तो 40 यहाँ पर आगे प्रिंट होगा, देन आपके एक्स की वैल्यू क्या लेस देन 55 है, तो एक्स की वैल्यू 40 हो गई, जिसके बाद अब ऐसी बात है कि एक्स की वैल्यू 55 मतलब लेस देन 55 है तो ट्रू हो गई, तो यहाँ पर आपका जो 1 40 और 1 प्रिंट होगा, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, ये यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पर दिया हुआ है कि आई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर दो फिर से अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह
तो 3 और 4 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, बहुत जो आंसर डी का जो दिया हुआ है, कम आउटपुट में वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार यहाँ दिया गया है, क्योंकि अगर आप टर्बो में रन कराते हो तो ये ऑब्वियस बात है करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर जीसीसी में रन कराते हो तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होता, तो आपको इस आंसर प्रिंट करता। तो यहाँ बताया था आपको पहले ही कि कंपाइलर टू कंपाइलर भी वेरी करता, तो अगर इस टाइप का अगर कुछ भी आपको दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, आपको चेक करना कि क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है, आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा कि आउटपुट जो है मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। मैं बताया टर्बो में आपका 4:3 प्रिंट होगा, जीसीसी अगर कंपाइलर आप यूज करते हो तो उसमें 4:4 प्रिंट करता है, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर रहे हैं। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत बेवकूफ बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ के इक्वल के दिया है और नम इक्वल 30 दिया है। यहाँ पर एक अच्छा सा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में मैं बता भी दे रहा हूँ क्या है। नम क्या ग्रेटर देन 5 है, ऑब्वियसली बात है हमारा नम 30 तो ग्रेटर देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू होने का होता है, अपने ये अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन पे जाता है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका यहाँ से यहाँ तक दिया गया, ठीक है। इसमें जाएगा तो यहाँ पर चेक है कि नम लेस देन 10 है, तो अभी से बात है 30 तो लेस देन 100, तो 10 तो है नहीं, तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने का क्या होता है, ये 200 जो है वो के में असाइन कर देगा, तो के की वैल्यू तो 200 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रिंट क्या कर रहा है, परसेंटेज, तो यहाँ पर ध्यान देना प्रिंट नम ही कर रहा है, के नहीं प्रिंट कर, तो इसकी वैल्यू 30 होगी। तो यहाँ बजो दिए जो बीच में दिया है बकवास दिया हुआ है, ऐसे कोई लेना देना नहीं आउटपुट से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 30 ही प्रिंट होगी। बहुत लोग देख जोश जोश में आकर के इसको क्या करते हैं, के की वैल्यू यहाँ पर 200 मार देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लूपिंग आपका प्रोग्रामिंग है तो साथ कभी कभी घुमा देते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आउटपुट पूछा, इसका आउटपुट क्या होगा आपका, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें ध्यान देनी जरूरत है। जैसे यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए कैपिटल, क्योंकि हमारा आपको मालूम है कि सी में जो होता है करेक्टर जो होता है वो एक इंटीजर टाइप का ही होता है, मतलब हम सी में करेक्टर स्टोर, कैर में करेक्टर तो स्टोर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर जाके कोई भी एक नंबर स्टोर होता है। तो कैपिटल ए का जो आपका स्काई कोड होता है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आई थिंक हम लोग पढ़ा होगा, तो कैपिटल ए का जो होता है वो 65, तो हमारा सी एच में जो होता है वो 65 भी आपका जाके स्टोर होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा गया है, यहाँ पर देखो यहाँ एंड सिंबल लगाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका, दो ये पूरा का पूरा एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन के बाद यहाँ पर जो है ये तो ये टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया, तो ये पूरा का पूरा एक कंडीशन है, और अगर कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला चेक करते हैं, सी एच में क्या 65 कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65, तो 65 ग्रेटर और इक्वल है, तो अभी से बात है 65 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, वो ट्रू हो गई, ठीक है। देन सी एच मतलब 65 क्या लेस देन आर इक्वल है जेड से, जेड की वैल्यू 90 होती है, तो 65 अभी से बात है लेस है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाले कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये पूरी कंडीशन आपकी क्या हो गई, एंड ऑपरेटर लगा तो पूरी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो ट्रू होने केस में बताया था कि एक्सप्रेशन वन यहाँ पर आएगा, ये ठीक है यहाँ पर आएगा, तो सी एच जो है सी एच में क्या पड़ा हुआ है, सी एच में आपका पड़ा हुआ है 60, ध्यान देना यहाँ पड़ा हुआ आपका ए ही कैपिटल ए पड़ा हुआ है, देन मैंने क्या प्लस, ठीक है स्मॉल ए, ठीक है ये आपका स्मॉल ए, देन माइनस कैपिटल ए, तो अभी अभी से बात है कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी से कैपिटल ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल ए ही होगा, वो स्मॉल ए जो यहाँ से उठ के आएगा और सी में प्रिंट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा लेटर ए द लेटर इज ए, तो पहला हमारा स्टेटमेंट तो ये सही है लेटर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं यहाँ पर, नाउ लेटर इज, तो यहाँ पर दो फिर से दो ये कंडीशन ट्रू हो गई, वही सेम चीज़ें दी गई, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब इसके बाद सी एच में जाएगा, पहले वाले में जाएगा, तो सी एच में क्या है, सी एच क्या सिंपल सी बात है ए ही कैपिटल ए ही है, तो हमारा ये नाउ लेटर इज ए, तो ये हमारा जो ये वाला जो है वो कंडीशन ट्रू हो गई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा रिपीट करके इसको देखना आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन पंगा कुछ जब बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, तो एक बार देखना उसको आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। 14th 19 हुआ, ये लास्ट था, ये 20 है, इसको मैं इसको 20 है ये, ठीक है इसको चेक करते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल, इसमें कामा ऑपरेटर के ऊपर सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर क्या हुआ आउटपुट क्या हुआ, तो J इक्वल टू है I प्लस,
आई प्लस एक्चुअली हाँ ये दिया गया कौन सा डिजिट एक्चुअल में आपका आई के साथ मर्ज होगा, मतलब प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो कामा के कारण क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन होता है, तो सबसे पहले 1 इसको नहीं लेगा, राइट उसके बाद लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इसको लेगा, तो इस तरह से लास्ट में जो आएगा 5, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो सबसे लास्ट में जो आपका वो राइट साइड में वो क्या मिलेगा, 5। 5 को उठा करके आई के साथ मर्ज कर देगा, आई के साथ मर्ज करेगा तो 5, और आई की वैल्यू क्या है 2, तो 5 प्लस 2 7, तो जे की मेज क्या चलाएगा 7, तो आई की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी वो 7 होगा, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएशन के ऊपर मेन है, कामा ऑपरेटर आपका लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जाता है तो सबसे राइट में जो चीज आएंगी वही ऑपरेट हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये पूरा सीरीज था, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बना हो क्योंकि 20 क्वेश्चन थे। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा जो क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है, मे भी क्योंकि मैं वीडियो जल्दी बनाने जल्दी खत्म करने के चक्कर में हो सकता है कुछ चीज़ों में स्किप कर दिया हूँ, तो आप मुझे आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर अपने फ्रेंडों को शेयर करना चाहते हैं जिनको चाहते हैं कि उनकी आपकी नॉलेज बूस्ट हो थोड़ा सी प्रोग्रामिंग के लिए, तो उनको शेयर भी करिएगा। तो अभी इतना ही, हम कुछ टाइम बाद फिर से आपका जो है क्विज 3 लेके आएंगे, उसको जरूर देखिए। तो अगर आपको चाहते हैं क्विज 3 आपको जल्दी जल्दी मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।